हेलो गाइस, मैं आपसे फिर मिल रही हूँ। मुझसे मिलकर आपको बहुत खुशी होती होगी, है ना? तो चलो, नाम तो जानते हो, तो नाम बता के क्या फायदा है। चलो, मैं अभी गाइस कॉलेज से आई हूँ और आते ही सोचा क्या करूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्यों ना एंटरटेनमेंट ही कर लेते हैं, सही है ना? तो फिर चलो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना, दशा तो बिगड़ गई। चलो, ओ ये क्या हो रहा है, आका देख लियो भाई। लाडी तो हमारे चाय बना रही है, और ये क्या बना रही है, बैंगन का भरीता। गाइस मेरी तरह आपको भी पसंद नहीं होगा, मुझे पता था। ये देखो, ये हमारे देखो, इनके बिना गाने के तो चाय नहीं बनती। जीजू से बोलना पड़ेगा, जीजू आ जाओ जल्दी से। शक्ल दिखाइए लाडी जी आपकी थोड़ी सी, उनसे मिलिए, वो है मेरी बहन। फाइनली अब हम लोग हो चुके हैं फ्री, और अब हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। सो आपने देखा होगा कि मैं बना दी थी बैंगन का भरीता, और वो भी कंप्लीट हो चुका है, और हमने खाना भी खा लिया है। तो अभी बज रहे हैं इवनिंग के 7:30, और हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ। और इसको ये वाला कार्टून बहुत ज़्यादा पसंद है, ये है सिंचेन। अगर किसी को पता हो कि ये कहाँ मिलता है तो प्लीज़ हमें बताना, क्योंकि इसको यही चाहिए। तो कोई बता दो ये कहाँ मिलता है। ये इंडिया में नहीं मिलेगा, इसके लिए हमें कोरिया जाना पड़ेगा। BTS लवर, कौन कौन है BTS लवर? हम तो हैं, हमें तो BTS बहुत पसंद है, और हम लोग बहुत मिस भी करेंगे, क्योंकि BTS जो मेंबर्स थे वो लोग 2025 में आएंगे, तब तक हम लोग उन लोगों को मिस करेंगे। उनका कोई कॉन्सर्ट नहीं आएगा, बहुत मिस करेंगे हम BTS को। सो ऐसे कोरिया की सीरीज़, कोरियन ड्रामा, कोरियन सॉन्ग काफ़ी पसंद है हमको। अगर हमारी तरह कोई कोरियन लवर है तो प्लीज़ हमें बताना, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा कोरिया को पसंद करते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है कि हम एक बार कोरिया ज़रूर जाए। कब हो गया, किडनी बेच दे मेरी किडनी बेचेगी ये कोरिया जाने के लिए, बताओ। वो तो वैसे भी जा सकते हैं, बट फिलहाल हम इंडिया घूमेंगे, उसके बाद हम आउट ऑफ कंट्री का सोचेंगे। तो चलो, ये तो ही थोड़ी बात, इसको हटाते हैं साइड में और करते हैं कुछ बातें। तो हमने जो दो व्लॉग बनाए हैं, पहले वो व्लॉग थे शादी से जुड़ी हुई, जो हमने शॉपिंग करी है, जो हमने शादी से जुड़ी हुई जो डांस वगैरह फ़नी वीडियोज़ थे, वो हमने आप लोगों से शेयर किए उस व्लॉग में। तो ये व्लॉग हमारा नॉर्मल है, जो कि डेली का जो रूटीन होता है हमारा, हमने नॉर्मल सा ही आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया आज, और अब से हम रोज़ यही नॉर्मल व्लॉग हमारा चलेगा शादी तक, क्योंकि हमारी शादी की शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, जो तैयारी थी वो हो गई है कंप्लीट, और अभी हम लोग 1 जनवरी यानी कि 2024 में हम लोग हमारे डांस की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो जब से हमारे डांस की प्रैक्टिस हो जाएगी शुरू, क्योंकि हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हमारा फोकस रहेगा डांस पे, जो शादी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। फर्स्ट होता है शॉपिंग, सेकंड होता है डांस, तो वो हम स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी के बाद से। उसका व्लॉग भी हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हमने जो शॉपिंग करी है उसका हम आप लोगों को व्लॉग बनाएंगे, वो व्लॉग भी हम लोग ज़रूर बनाएंगे, और बहुत जल्द बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारा पूरा सामान कंप्लीट हो। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोगों को कोरियन सीरीज़ काफ़ी पसंद है, तो अभी हो चुका है हम लोगों का टाइम वो सीरीज़ देखने का। तो हमारा नाइट का रूटीन तो यही है कि नाइट के 8 से 8 या 9 बजे से हम लोग सीरीज़ लगा देते हैं, और नाइट के 12 बज रहे हैं या 1 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं, जब तक हमें नींद नहीं आती, जब तक हमारा मन करता है हम तब तक वो सीरीज़ देखते हैं। और क्योंकि ये सीरीज़ हमें बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों है, बट हमें बहुत अच्छी लगती है। फर्स्ट तो ये कि ये सीरीज़ कॉमेडी भी बहुत होती है इनमें,
सो रोमांटिक भी बहुत होती है, तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है हमको ये सीरीज़ें। तो अब हम लोगों ने लगा दी उस सीरीज हमारी होने वाली स्टार, मैं और तनु तो आ चुके हैं। गोली यानी कि मेरी सबसे छोटी सिस्टर नेहा वो अभी खाना खा रही है, तो वो आएगी तो हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे और हम आप लोगों को जो बताएंगे कि हम लोग कौन सी सीरीज देख रहे हैं वो भी हम आप लोगों को बताते हैं। तो जैसा कि हमारा जो मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन होता है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। फिलहाल तो हमारा नाइट का रूटीन यही है कि अभी हम लोग देख रहे हैं सीरीज। जैसा कि ये देख सकते हो आप, टीवी हमारी हो चुकी है चालू और हम लोग लगाने वाले हैं अब सीरीज हमारी। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं हम लोग क्या क्या सीरीज देखते हैं। और ये देखिए ये फिर अपने फ़ोन में लग गई यार, इसकी शादी होने वाली है। ऐसा तो नहीं कि ये हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, ये अपने फ़ोन में लगी हुई रहती है, बस स्टोरी वगैरह देखती रहती है। ऐसा नहीं कि हम लोगों से भी कुछ बातें कर ले यार, कुछ तो बातें क्या कर। तनु बता इनको कि तू हमसे बातें क्यों नहीं करती है, टाइम ही नहीं मिलता। ओह माय गॉड, इसको हमसे बातें करने का टाइम नहीं मिलता है, बताओ। सो गाइस, वैसे तो मैं एक बात आप लोगों से बताना भूल गई और आप लोगों से कुछ मुझे पूछना भी था तो मैं वो भी भूल गई। तो मैं अभी आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हम जो व्लॉग बना रहे हैं वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। हमें व्लॉग बनाना नहीं आता है, हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है व्लॉग बनाना। तो आप लोग हमें बताओ कि हमारे व्लॉग में कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कमी है, किस चीज़ की कमी है, तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। वैसे तो जो हमारी डेली लाइफ है, जो हमारी लाइफ में चल रहा है, हम वही नॉर्मल आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। उसमें कुछ एडिट, कुछ झूठ, कुछ भी नहीं है, जो है वो सब यही है। तो हम भी चाहते हैं कि हम लोगों का व्लॉग बेस्ट बने, अच्छा बने। तो उसके लिए आप लोगों को हमें बताना होगा कि हमारे व्लॉग में क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ हम आप लोगों के साथ शेयर करें, हमारी लाइफ में क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या दुख है, क्या सुख है, सब हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। कोई पर्सनल या कोई अंदर का, कोई बाहर का कुछ नहीं है, हम सबके साथ एक जैसे सबके साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी लाइफ की जो चीज़ें हैं सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ऐसा है कि घर बैठ के तो अपनी लाइफ को हम पूरा बर्बाद नहीं कर सकते, भगवान ने एक ही लाइफ दी है, उसको हम एकदम अच्छे तरीके से शेयर सब लोगों के साथ करेंगे उस लाइफ को हमारी। को ऐसे नहीं कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना हमें, हम बेस्ट तरीके से हमारे जो देना चाहते हैं हम आप लोगों को हमारा पूरा बेस्ट देंगे व्लॉग में। तो आप लोगों को भी हमारी हेल्प तो करनी होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अधिक से अधिक हमारे चैनल को आप शेयर करो ताकि हमारे व्लॉग में भी लाइक आए। तो इतनी सी मदद तो आप लोगों को भी करनी होगी हमारी, बस इतनी सी मदद, ज़्यादा मदद हम नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ इतनी सी मदद आपको हमारी करनी होगी और बाकी तो सब आपको पता ही है। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी बज रहे दोपहर के 1, तो गुड आफ्टरनून हो चुका है। तो जैसा कि कल का व्लॉग हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अभी मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आप लोगों से मिल रही हूँ, यानी कि मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून में आप लोगों से मिल रही हूँ। और अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ पोहा, क्योंकि रोटी या सब्जी खाने का हमारा बिल्कुल मूड नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है। तो हमने सोचा कि हम क्या खाएं, काफ़ी टाइम सोचा, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम पोहा बनाएंगे। तो मैं पोहा बना रही हूँ, हम पोहा खाएंगे और पोहा खाने के बाद हम लोग जाने वाले हैं सीधा मार्केट। जितने आप लोगों को कल बताया था कि हमारे मार्केट का काम कम्प्लीट हो चुका है, बट शायद मुझे नहीं लगता कि शादी तक भी हमारा मार्केट का कोई काम कंप्लीट होगा, क्योंकि मार्केट का काम कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है, ये मुझे लग रहा है। तो मार्केट जाने के बाद ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँगी कि मैं मार्केट क्यों जा रही हूँ। तो वहाँ जाने के बाद आप लोगों को बताऊँगी कि मैं क्यों मार्केट जा रही हूँ। फिलहाल तो मैं पोहा बना रही हूँ, फिर मैं होंगी रेडी, उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट में और ये देख सकते हो आप लोग, हम लोग सीधा गए मार्केट में पार्लर पे, क्योंकि पार्लर पे हम लोगों को कुछ काम था। तो तनु और मैं हम दोनों ही मार्केट गए थे क्योंकि आज हमको फेस क्लीनअप करवाना था। गए तो हम लोग फेशियल करवाने थे बट हमें क्लीनअप करवाना पड़ा पहले। हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि पार्लर में कोई नहीं था, मैं और तनु दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग वेट कर रहे थे दीदी आएंगी, हम दीदी का वेट कर रहे थे। और ये देखिए हम दोनों यहाँ पे वीडियो बनाने में लगे हुए हैं और पार्लर में कोई नहीं था तो हम लोगों के लिए व्लॉग बनाना भी काफ़ी आसान रहा।
तो वो आप देख सकते हो, हम लोग व्लॉग बनाने में लगे हुए हैं। अब हम लोग आ चुके हैं घर पे और जस्ट बस अभी हम घर आए हैं और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 बज गए हैं। हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया आज मार्केट में, तो काम तो हमारा मार्केट में कुछ भी नहीं था। जो भी हम मार्केट में जिस काम के लिए हम लोग गए थे वो आप लोगों को व्लॉग में आप लोगों को ने देख ही लिया होगा व्लॉग में कि हम लोग किस काम से मार्केट गए थे। तो इसी के साथ हम आज के व्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, यानी कि 31st, चूँकि साल का लास्ट दिन है 31st, उसमें हम लोग क्या करते हैं सबका अलग अलग होता है कि कोई किस तरह से सेलिब्रेट करता है, बट हमारा थोड़ा अलग है। तो हम आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में कि हम लोग 31st किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के व्लॉग हम यही एंड करते हैं। सो बाय गाइस।